हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, बिटकॉइन के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है और भारत में पहले तीनों की सच्चाई जानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लाते हैं हम डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, तो ये जो आज का मैं ये ओपिनियन शेयर करूँगा, ये अपनी खुद की पर्सनल स्टडी और रिसर्च है। आप लोगों को कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के लिए हो वो, या तो फिर गवर्नमेंट वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या तो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद में जो बैंक्स होती हैं वो होते हैं। तो ये जो तीन चार लोग होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, प्रेसिडेंट हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, इकोनॉमिक के जो भी चीफ होते हैं, आरबीआई के गवर्नर हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, तो यही लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंट्री कैसे ग्रोथ करे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आरबीआई की, जो इंडिया में बिटकॉइन के लिए हुआ है अभी तक। आरबीआई ने वो क्यों बंद किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो क्यों बंद करना चाहते हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, बैंकों में लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया है। और रियलिटी भी है, क्योंकि क्रिप्टो यूज़र्स जो हैं उनको पता है कि बैंक में सर्विसेज कितनी फास्ट और कितनी स्लो हैं, क्योंकि वो अपना ही पैसा जमा करते हैं, पैसा डालने में दिक्कत होती है, विड्रॉल करने में दिक्कत होती है, उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेज इतने ज़्यादा कटते हैं, एटीएम की सर्विसेज नहीं अप्लाई होती हैं, और टाइम वेस्ट होता है कोई भी पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए आरबीआई से लोग यहाँ पे हेट करते हैं, आरबीआई की लोग यहाँ पर सुविधा नहीं देना चाहते, यहाँ पर उसके साथ में नहीं हम कह सकते हैं, इसलिए आरबीआई हो सकता है कि लोगों के साथ में यहाँ पर सर्विस ना देने की बात कही है। अब हम बात करते हैं इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस हुए, क्रिप्टो यूज़र्स ने किया, बहुत सारे एक्सचेंजों ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहले हाई कोर्ट में केसेस हुए, हाई कोर्ट में उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड इसका बहुत सारे एक्सचेंजों ने जो पिटीशन फाइल किया है, उसका 20 तारीख को यहाँ पे क्या होगा कि रूल रेगुलेशन लगेगा या क्या नहीं लगेगा, जो भी फैसला होगा, जो भी हेयरिंग होगी, वो आने वाले 20 तारीख को पता चलेगा। और जो मुझे लगता है फ्रेंड कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई बड़ी बात घबराने वाली होने वाली नहीं है, क्योंकि 99% जो मुझे चांस है कि मुझे जो लग रहा है वहाँ पे लीगल होना चाहिए, रूल रेगुलेशन आएगा, उसके भी बहुत बड़े कारण हैं, उसको मैं आपको साथ में अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए पक्ष में नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको रिस्क लेने का शौक है, वो करेंगे, बैन कर देंगे फिर भी करेंगे, लोग यहाँ से छोड़ करके चलेंगे, जाएंगे फॉरेन, वहाँ पर विड्रॉल कर लेंगे, हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको पता है कि ATMs लगे हुए हैं, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए, साइंटिस्ट चले गए, इंजीनियर चले गए, और रघुराम राजन जी जो अपने इंडिया के हैं वो उनका आप कह सकते हैं वो भी या चले गए या निकाल दिए गए, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये टैलेंट इंडिया का चला जाता है जो भी जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है और जो गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम इंडिया की रूल रेगुलेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो उसने अभी यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं बनाया है कि बिटकॉइन इलीगल है या लीगल है, कोई भी किसी प्रकार का अभी लीगल इलीगल नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी की, जो अपने यहाँ के इकोनॉमिक अफेयर के ये एग्जीक्यूटिव हैं, ये हेड हैं। तो आरबीआई ने इनको क्या कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर के जो अरुण जेटली साहब हैं, इन्होंने इनको दिया था कि ड्राफ्ट बनाइए, इस पर जो भी रूल रेगुलेशन जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से वर्क कीजिए। तो सुभाष चंद्र गर्ग जी का एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा, मैंने भी बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को इसकी डिस्कशन होगी, जो भी होगा वो बताया जाएगा, और 15 मिड ऑफ जुलाई को क्या होगा कि जो भी रूल रेगुलेशन है, ड्राफ्ट है, वो तैयार कर दिया जाएगा और इंडिया में रूल रेगुलेशन लगेगा। और बीच में अभी एक न्यूज़ और आई थी, आपने सुना होगा कि अमेरिका की तरीके से इसको कमोडिटी मान करके लीगल किया जा सकता है और इस पर रूल रेगुलेशन लगाया जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत में स्कैम और फ्रॉड। जी हाँ फ्रेंड्स, बिटकॉइन गेन जैसे अमित भारद्वाज हुए और लखन पाल जी, इस तरीके के बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, गुजरात में भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ, तो इसके लिए गवर्नमेंट परेशान है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा यहाँ पे डूब जाता है लोगों के साथ में। तो आप सोचिए, अगर बिटकॉइन बैन होगा या इस तरीके की बातें होंगी, तो जो बिटकॉइन है गवर्नमेंट के पास में
या जो भी बिटकॉइन है, जो एमडी जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने फ्रॉड किया है, वो बिटकॉइन फिर सेल कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल न्यूज़ है, जो अंदर की बात है, वो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन लगेगा। और अभी एक न्यूज़ आई थी कि XRP रिप्पल क्या कर रहा है, इंडिया के जो भी बैंक्स हैं उनको टाई अप करने के लिए सोच रहा है, पेमेंट सिस्टम में जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो रिप्पल अगर इतने बड़ा फाउंडेशन है, आपको पता है इतना बड़ा क्वाइन है, तो वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ इंटरनल न्यूज़ ज़रूर है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, कि अंबानी जी का जो जियो क्वाइन है उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर बात चल रही है, क्योंकि उनका जो तैयार करने का था, टीम बनाने का था, वो सारा चीज़ मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल न्यूज़ है फ्रेंड्स। अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि बिटकॉइन को गिराने का, क्रिप्टो करेंसी गिराने का सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, या कुछ ना कुछ सपोर्ट, या कुछ ना कुछ कह सकते हैं मीडिया का। मीडिया की बात करते हैं, जो भारत की मीडिया है, आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि अभी तक सिर्फ अरुण जेटली जी ने यह कहा है कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, और मोदी जी ने अभी सिर्फ आयोटा की बात की है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन की बात किया है मोदी जी ने, अभी क्रिप्टो करेंसी की कोई भी बात नहीं किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात किया है उन्होंने, IMPS, RTGS, भीम एप्लीकेशन, इस तरीके से। तो मीडिया ने अभी बिटकॉइन के बारे में क्या क्या बोला आपको पता है, बिटकॉइन को 7 साल की जेल हो जाएगी, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, बिटकॉइन कौड़ियों के भाव मिलेगा, और बिटकॉइन जो भी काम करेगा ये फेक है, निवेश का जीरो हो जाएगा, बबल्स है, इस तरीके के बिटकॉइन जो मीडिया वाले हैं इंडिया के, वो अपने अपने तरीके से फुल प्रमोशन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं। और जबकि अभी इंडिया में इलीगल या बैन या लेन देन कुछ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सभी क्रिप्टो यूज़र्स पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हर एक स्टेट में हो, हर एक बड़े सिटी में हो, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, हर जगह, मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है। तो फाइनली ये था फ्रेंड्स कुछ मेरे विचार, जो भी आप लोगों के लिए बिटकॉइन के लिए, भारत के लिए यहाँ पे जो भी विचार हैं। मुझे लगता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ये वर्ल्ड वाइड है फ्रेंड्स, और वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री क्या कर रही है, रूल रेगुलेशन लगा रही है कैसे स्कैम को रोका जाए, और हर एक कंट्री के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर एक कंट्री में क्या हो रहा है, स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए रूल रेगुलेशन लगा रहे हैं छोटे छोटे, जो भी अभी थाईलैंड ने देखा आपने, और भी बहुत सारे बड़े कंट्री, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी कंट्रियों ने इसको लीगल क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन हो, वो एक्सेप्टेंसी बढ़ रही धीरे धीरे करके, तो इंडिया में आई होप जरूर बढ़ना शुरू होगा। अब आप सोचिए कि इंडिया में NPTEL के थ्रू कोर्स शुरू हुआ, उसके बाद अमिती यूनिवर्सिटी ने ब्लॉकचेन का कोर्स शुरू किया, वो भी MBA लेवल का, उसके बाद में अभी नोएडा में आपने देखा कि BTech में क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन के थ्रू होगी, बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, और धीरे धीरे करके लोग जागरूक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिटकॉइन इंडिया में ज़रूर लीगल होगा, 99% मुझे चांस है फ्रेंड्स, मुझे जो उम्मीद लग रही है कि रूल रेगुलेशन लगेगा, और जो फ्रॉड स्कैम पोंजी स्कीम है उनको बैन किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ आज आप लोगों के लिए, अपने ओपिनियन शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट्स में थे। आप लोगों को क्या लगता है बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।